नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल में। दोस्तों, आज का वीडियो, अभी एक कमेंट आया था आप ही में से कि कॉमर्स का पीजीटी का पेपर किस तरह का आता है ये आप लोगों को पता नहीं चल रहा था। तो यहाँ पे मैंने ढूंढा है एक पेपर जो लगभग प्रीवियस ईयर्स के पेपर का ही एक क्वेश्चन पेपर है, और इसमें किस तरह के प्रश्न आते हैं आपको एक अंदाज़ा आ जाएगा। हालांकि मैं कॉमर्स का स्टूडेंट नहीं हूँ, पहले आप लोगों को बता दूँ, तो इसमें कुछ क्वेश्चंस को ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन आंसर्स को आप देख लीजिएगा और बाकी मैं पूरी तरह से आपको सही उत्तर बताऊँगा, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। द टर्म करंट एसेट डज नॉट इंक्लूड, तो करंट एसेट्स की यहाँ पर बात कर रहा है, इसमें क्या नहीं आता? कैश, स्टॉक इन ट्रेड, फर्नीचर या एडवांस पेमेंट। तो ये तो एकदम इजी प्रश्न है, ठीक है। तो इसका सीधा सीधा उत्तर हो जाएगा सी, फर्नीचर, ठीक है। क्योंकि कैश, स्टॉक इन ट्रेड, एडवांस पेमेंट एक करंट एसेट्स हैं, लेकिन फर्नीचर एकदम जो है अलग चीज़ हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट द प्रोप्रिएटर इज ट्रीटेड एज ए क्रेडिटर टू द एक्सटेंट ऑफ हिज कैपिटल, कॉस्ट, एंट्री, मनी मेजरमेंट और डुअल एस्पेक्ट। तो इसका जो सही उत्तर है वो है अकाउंटिंग टू द एंटिटी कॉन्सेप्ट। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंपैरिजन ऑफ नेट प्रॉफिट विद द सेल्स ऑफ द सेम ईयर इज टर्म्ड डैश कंपैरिजन। ए हॉरिजेंटल, वर्टिकल, एलिप्टिकल और मल्टी डायमेंशनल। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप सही उत्तर हॉरिजेंटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। हैवी इनिशियल एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजिंग द लॉन्च ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट शुड बी क्लासीफाई एज। तो ये क्लासीफाई किया जाना चाहिए डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह, ठीक है। तो कॉमर्स के विद्यार्थी तो समझ ही रहे होंगे, ठीक है। तो ये उनकी सहायता के लिए मैंने जो पीजीटी कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए छोटा सा वीडियो मैंने बनाया है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये पसंद आएगा। आवाज़ थोड़ा मैं धीमे इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी रात में ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि कल एक नया वीडियो आए जो लगभग सबके लिए हो, ठीक है। इसी तरह की मेरी कोशिश है कि जनरल पेपर में इसलिए दे रहा हूँ ज़्यादा कि कोई अभी एग्ज़ाम टाइम कम बचा है, ठीक है। तो जनरल अवेयरनेस के पेपर सभी के लिए कंपलसरी होता है, तो उस पर ज़्यादा फोकस हम कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंश्योरेंस अनएक्सपायर्ड अकाउंट इज ए डैश अकाउंट। तो इंश्योरेंस अनएक्सपायर्ड अकाउंट क्या होता है? पर्सनल अकाउंट होता है। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। Which of the following is or are member or members of the International Accounting Standard Committee? तो ये है दोस्तों ICAI, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। मार्क आउट विच इज़ नॉट ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं हुआ, कॉस्ट ऑफ इश्यूइंग शेयर्स एंड डिवेंचर होता है, वेगस पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ए न्यू ऑफिस होता है, परचेज ऑफ ए न्यू स्पार्क प्लग ये भी है, तो रिपेयर ऑन ए सेकेंड हैंड व्हीकल न्यूली परचेज, तो ये जो है एक कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, यानी कि ज़्यादा खर्चा इसमें नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे दोस्तों। हाँ सॉरी फ्रेंड्स, इसका आंसर जो होगा वो सेकेंड होना चाहिए, ठीक है। Wages paid for construction of new office. B is the right answer. So commerce के विद्यार्थी यहाँ पर अच्छे से समझेंगे कि यहाँ पर जो आंसर होगा वो नेट डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल बाय 25,000 हो जाएगा। So ये हैं कुछ और प्रश्न जो commerce के विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट हैं, और अगर आप लोग चाहते हैं कि फर्दर और कुछ क्वेश्चन वगैरह हूँ तो बताइएगा आप, अन्यथा मैं को आइडिया देना था आप लोगों को कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो एक क्वेश्चन यह है, जैसे गिवन नेट एसेट ऑफ ए बिजनेस ऑन January 1st आर द ₹40,000 एंड ऑन January 31 ₹8,000, फाइंड द नेट इनकम फॉर जनवरी। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आपके आएंगे PGT कॉमर्स में। ऐसे एक और है, इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्रेरी द पार्टनर्स आर एंटाइल्ड टू डैश इंटरेस्ट ऑन लोन टू फर्म डैश, ठीक है। तो इस तरह का जो है आपका क्वेश्चंस बनेंगे।
एक क्वेश्चन है ऐसे ही, एडजस्टमेंट एंट्री फॉर रेंट रिसीव्ड इन एडवांस वुड बी, तो एडवांस में रेंट अगर लिया तो उसके लिए क्या बनेगा। कुछ स्टॉक से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, जैसे गिवन स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन जनवरी 1, 2011 ₹400, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन दिसंबर 31, 2011 ₹100, पेमेंट फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग 2011 ₹1200, क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी ऑन December 31, 2011 इज ₹150, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ स्टेशनरी दैट विल बी पोस्टेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर एंडिंग 31, 2011। तो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं, चाहे आप कॉमर्स की तैयारी कर रहे हो, बायो की कर रहे हो या हिंदी की कर रहे हो, तो आपका जो सब्जेक्ट है उसमें जिस तरह के क्वेश्चन बनते हैं उसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में भी आते हैं। तो इसमें चिंता की कोई बात नहीं है, आप इन क्वेश्चंस को देखिए और इन्हें सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और एक और क्वेश्चन है, जैसे आप लोग कॉमर्स के विद्यार्थी हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इन विच ईयर द चार्टर्ड अकाउंट एक्ट यानी कि सीए का जो एक्ट हुआ था वो कब पास हुआ था। तो ये सही ईयर है दोस्तों इसका 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जनरेटेड इंक्रीज्ड सेल्स बाय नेग्लेक्टिंग क्वालिटी कंट्रोल प्रोडक्शन एफिशिएंसी एंड और कैश फ्लो मैनेजमेंट आर, तो ये सब क्या है, ओवर मार्केटिंग, रीमार्केटिंग, अंडर मार्केटिंग और डी मार्केट। तो ये क्या है, ओवर मार्केटिंग के एक तरह से फॉर्मूले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्केट ओरिएंटेशन इज़ द टेक्निक ऑफ सेलेक्टिंग, तो ये क्या सेलेक्ट करने के लिए, तो ये मार्केटिंग मिक्स को सेलेक्ट करने की टेक्निक है। डी यहाँ पे जो है सही उत्तर हो जाएगा। When buyer have too narrow an image of brand is known as, brand की जब इमेज बहुत सूक्ष्म होगी तो उसको क्या कहा जाएगा, तो ये है दोस्तों ओवर पोजिशनिंग एरर। तो ये क्या है, ओवर पोजिशनिंग की एरर है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, बहुत छोटा सा अगर ब्रांड की इमेज है तो उसको ओवर पोजिशनिंग एरर कहा जाता है। ऐसे ही क्वेश्चन और, द फिजिकल पोजिशन ऑफ इक्विटी शेयर्स इन केस ऑफ CDR इज़ विथ डिपोजिटरी कस्टोडियन फॉरेन इन्वेस्टर और गवर्नमेंट, द राइट आंसर इज बी कस्टोडियन, बी इज द राइट आंसर। सही क्वेश्चन है, फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स बाय यील्डिंग मेथड्स इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड रिगार्डिंग NRR, नेट एसेट ऑफ बिजनेस, फेस वैल्यू ऑफ शेयर और ऑल ऑफ द। तो यहाँ पे आपको NRR की भी आवश्यकता पड़ती है, नेट एसेट जो बिजनेस टोटल बिजनेस किया है उसकी भी आवश्यकता पड़ेगी, और जो फेस वैल्यू है शेयर की, यानी कि फेस वैल्यू मतलब कि उसे उसका कितना, एक तरह से कहें कि लोगों के ऊपर कितना विश्वास है, उस लोगों को कितना विश्वास है उस शेयर पर। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा वो होगा ऑल ऑफ द अबव। तो जितने भी कॉमर्स के विद्यार्थी हैं, मैं उम्मीद करता हूँ मैंने एक छोटी सी कोशिश की है कि आप लोगों के लिए जो कम से कम प्रश्न हैं वो लेके आया हूँ उनको, और अच्छे रहे होंगे ये प्रश्न, और आपको एक तरह से थोड़ा सा अंदाज़ा ज़रूर आया होगा कि किस तरह के क्वेश्चन आपके PGT कॉमर्स में आने वाले हैं। तो इसकी तैयारी कीजिए, अगर स्टिल अभी भी कोई कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं उसे दूर ज़रूर करूँगा। क्योंकि मैं यहाँ पे कई जैसे डिमोटिवेटर भी हैं, मोटिवेटर भी हैं, हर तरह के मेरे स्टूडेंट्स हैं कहें या मित्र हैं, तो मुझे पूरा तो उतना नहीं लगता है, लेकिन फिर भी फील होता है अगर आप एंथुसियास्टली कुछ अच्छा करना चाहते हैं। मैं हमेशा अच्छा चाहता हूँ आप लोगों का कि अच्छे से आपकी तैयारी हो जाए, तो कोई भी क्वेश्चन है तो उसको आप मुझे बता सकते हैं, कभी कोई गलती हो तो उसके डिस्कस कर सकते हैं। तो एकदम रूडली बोलना अच्छा नहीं लगता है कि आप लोगों को एकदम से बोल देते हैं कि ये है वो है, तमाम तरह की बातें, तो वो चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि कभी भी मैं इंटेंसली तो कोई चीज़ गलत नहीं बताऊंगा, ठीक है। ये छोटी सी चीज़ें हैं और इसके बारे में आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू फ्रेंड्स। और एक बात और कहनी थी आप लोगों से छोटी सी, कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, जो क्योंकि यहाँ पे APS के पेपर जिस तरह के मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं और लोग जुड़ रहे हैं अभी, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनका ये कहना है कि पेपर्स कम मिल रहे हैं, तो मेरे पास लगभग 4-5 ईयर्स के तो पेपर है, ठीक है, तो 4-5 ईयर्स के पेपर हैं, मैं उन्हें धीरे धीरे करा भी रहा हूँ, एग्ज़ाम होने के बाद भी हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे,
जब तक पेपर्स सॉल्व होते हैं, फिर आगे आप ही लोग बताएंगे कि किसकी तैयारी करनी है। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।